आगर मालवा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार पर गए कमलनाथ ने शनिवार को वो कर दिया जो मध्य प्रदेश की भाजपा नहीं कर पाई। दरअसल कमलनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभालने के बाद ही कह दिया था कि उन्हें मां बगलामुखी के दरबार में माथा टेकने जाना है ताकि कांग्रेस प्रदेश में विजय हासिल कर सके, और हुआ भी वही। कमलनाथ ने मां बगलामुखी के दर पर हाजिरी लगा दी। अब कांग्रेसी मानकर चल रहे हैं कि प्रदेश में उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि रणविजय मां बगलामुखी का आशीर्वाद उनके साथ है। पेश है एक खास रिपोर्ट। महाभारत कालीन इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जिसने भी यहाँ पर पूजा की है और माँ बगलामुखी के लिए हवन किया है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। वह बड़े से बड़े युद्ध में विजय हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर पांडव पुत्र युधिष्ठिर के द्वारा महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की गई थी। और हम सब जानते हैं कि इस पूजा के बाद नतीजा क्या रहा। वहीं अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी मां बगलामुखी के दरबार में माथा टेक दिया है और मां बगलामुखी को खुश करने के लिए पूजा अर्चना की है। मां बगलामुखी का यह इतिहास कांग्रेस के लिए कहीं वरदान ना बन जाए, इसी सोच के साथ प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में अब हलचल है। पंडित गोवर्धन पाठक, मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा, मध्य प्रदेश आगर मालवा क्षेत्र में नलखेड़ा नगर में मां बगलामुखी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह द्वापर युगीन एक चमत्कारी सिद्धपीठ है। भगवान श्री कृष्ण जी के निर्देश पर युधिष्ठिर ने यहां स्थापना की थी। मां बगलामुखी का यह स्वयंभू स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहां पर अपनी मनोकामना लेकर आता है, मां भगवती उस मनोकामना को तत्काल पूरी करती है। प्रसिद्ध मंदिर यह माना जाता है। यहाँ पर कोर्ट केस में जैसे विजय प्राप्त करना हो, शत्रु पीड़ा, शारीरिक दुख आदि सभी कार्यों के लिए माँ भगवती के यहाँ दरबार में जो व्यक्ति एक बार आ जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बड़े बड़े नेता लोग, अभिनेता लोग अपनी मनोकामना जीतने के लिए, अपने कार्य में क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। माँ भगवती के आशीर्वाद से सभी की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण की जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी यहाँ पर पधारे थे। माँ भगवती के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना भी निश्चित ही पूर्ण होगी, इसी विश्वास के साथ यही मां। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ आगर मालवा के उपचुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस कार्यक्रम में उन्होंने माँ बगलामुखी के दर्शन और पूजा अर्चना का भी मन बना रखा हुआ था। दरअसल कमलनाथ यह जानते हैं कि मां बगलामुखी के दर्शन करने से और उनकी पूजा अर्चना करने से मांगी गई सभी मन्नतें पूरी होती हैं और किसी भी प्रकार के युद्ध या वाद विवाद या जीत हार के मामलों में पूजा करने वाले को विजय प्राप्त होती है, क्योंकि खुद उसके साथ मां बगलामुखी रहती हैं। कमलनाथ सरकार में यह देखने में भी आया था कि कमलनाथ सरकार के द्वारा कई धार्मिक गुरुओं को प्रमुख स्थान दिया गया था। साथ ही कमलनाथ अपनी हनुमान भक्ति के कारण भी मशहूर हैं। वो चाहे छिंदवाड़ा का हनुमान मंदिर हो या भोपाल में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ हो, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद जिसे भी मिलता है निश्चित तौर पे उसे विजय हासिल होती है। और माँ बगलामुखी ने हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को आशीर्वाद दिया है और निश्चित तौर पे आगर के साथ मध्य प्रदेश में 27 जगह पर होने वाले सभी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस विजय हासिल करेगी। कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठेंगे और पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वैसे मान्यताओं और इतिहास के अनुसार मां बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भक्तों को रण विजय होना निश्चित हो जाता है।
पूर्व में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय के लिए यहीं पर हवन किया गया था। इसके पहले शिवराज भी यहां पर दूसरे कार्यकाल के समय हवन पूजन करवा चुके हैं, जिसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। वसुंधरा राजे सिंधिया, अमिताभ बच्चन व कई ऐसी नामचीन हस्तियां हैं जो यहां पर यदा कदा पूजन करवाती रहती हैं। वाम मार्गी इस मंदिर में माँ बगलामुखी त्रिशक्ति के रूप में विराजित हैं। कमलनाथ जी ने जब से नलखेड़ा के बगलामुखी माता जी के मंदिर में पूजा अर्चना की है, भाजपाइयों में भय का माहौल व्याप्त है। ऐसी मानता है कि जो यहाँ पूजा अर्चना करता है उसकी जीवन में सदैव विजय होती, हार नहीं होती है। वैसे भाजपा में भय का माहौल व्याप्त होने का सबसे बड़ा कारण है, उनको मालूम है कि वो असत्य के साथ हैं, झूठ के साथ हैं, वो हारने वाले हैं। बाकी कमलनाथ जी के लिए आराधना करना, ईश्वर की पूजा अर्चना करना कभी भी राजनीति का हिस्सा नहीं रहा है। इसी उज्जैन शहर में आदरणीय कमलनाथ जी ने महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, जबकि भाजपा ने 15 साल में इस मंदिर के विकास के लिए ढीला भी नहीं दिया। तो भाजपाइयों भय का माहौल है क्योंकि वो हारने वाले। देखना यह होगा कि मां का आशीर्वाद लेने के बाद जहां कांग्रेस में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है, तो वहीं चुनाव के परिणाम किस ओर अपना रुख लेंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर निश्चित है कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ किया गया प्रयास कभी विफल नहीं होता, और कहीं ना कहीं इस मंदिर में पूजा करने के बाद कमलनाथ अपने साथ एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी, नलखेड़ा।